वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं वे ऐसी वेरिएबल और कोफिशियंट को जो बंदे रखता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। इसमें टर्म स्क्वायर में भी हो सकता है, क्यूब में भी हो सकता है, ठीक है। देन हम इसके डायरेक्टली कहीं अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इस पर सीधा हम इसकी एक्सरसाइजेस पर ही ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। तो यदि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि मतलब इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का और कौन सा नहीं है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपके आंसर का रीजन दो। देन अब फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² - 3x + 7। देन अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वन वेरिएबल वाला चाहिए था, देन वन वेरिएबल टर्म है, स्क्वायर इसकी पावर है, फोर इसका कोफिशियंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यस, ये जो 4x² - 3x + 7 है, ये क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसका स्टार्टिंग जो है कोफिशियंट जो है वो है होल नंबर है, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट आवर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर हमें वाई का कोफिशियंट टर्म नहीं दिया गया है और ना ही हमारा वन वेरिएबल वैल्यू है। देन हम इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है हमें कि कोफिशियंट के जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशियंट हमें लिखना है इन सभी में। तो x की जो मैक्सिमम टर्म रहेगी उसके कोफिशियंट हमें आप लिखेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास क्या, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है हमारे पास 2 + x² + x। यदि हम इसको अरेंज करें तो हम इसमें लिख सकते हैं x² + x + 2। अब कोफिशियंट क्या होता है, ये तो हो गया हमारे वेरिएबल, ठीक है, x² x y z, a से लेके z तक जो है वो हमारे वेरिएबल्स में है और 1 से 100 तक जो भी है वो हमारे क्या है, कोफिशियंट है। तो x² का कोफिशियंट क्या है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मान लो 1। देन x² जो मैक्सिमम पावर वाला जो भी वेरिएबल होता है हम सिर्फ उसका कोफिशियंट लिखते हैं। तो उसमें मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है, x² है, इसका कोफिशियंट क्या है, 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आएगा हमारा 1। देन इसका सेकेंड क्वेश्चन, x² का कोफिशियंट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 - x² + x³। यदि हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें इसके, तो उसमें हमारे पास x² कोफिशियंट आएगा क्या, -1, थर्ड में x² कोफिशियंट π/2 और फोर्थ में हमारे पास x² का कोई भी कोफिशियंट है ही नहीं, तो 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0 × x² + √2(x) - 1। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 33 and 5 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसने पूछा हमसे कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं उनके हमें क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 5x³ + 4x² क्वेश्चन नंबर 4 जिसका जो फर्स्ट है वो है 5x³ + 4x² + 4x² + 7x। अब हमें डिग्री बतानी है इस क्वेश्चन में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हमें पॉलिनोमियल्स जो दिए हुए हैं उनकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी। तो डिग्री कैसे बताएंगे, अब डिग्री क्या होती है, एक्स की जो पावर होती है यहाँ पे वेरिएबल टर्म की जो पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। अब मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे, 3,
ये 2 है, ये 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास 3 है। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी। सेकेंड में माइनस वाई स्क्वायर को आगे लिख के प्लस 4 कर देंगे, देन हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्क्वायर में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2.1 पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रिलेटरल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। तो लीनियर कौन सा है जिसमें वन टर्म है एक्स की पावर का, और उसके बाद जो अपना कौन सा गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, 2x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस y इक्वल टू 0। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसमें कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो मैक्सिमम पावर कंटेंट करती है स्क्वायर का, ठीक है, और क्यूबिक जो पॉलीनोमियल होता है वो मैक्सिमम पावर कंटेंट करता है क्यूब। देन हमारा 2.1 यहाँ पे फिनिश होता है। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 1 एंड x इक्वल टू। मतलब हमें ये पॉलीनोमियल की जो वैल्यूज फाइंड करनी है, गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है हमें ये देखना है। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर, तो मैं इसको सीधे अरेंज करके लिखता हूँ, अरेंज करके मैं इसको लिखता हूँ कैसा, स्क्वायर टर्म आगे 5x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, देन मेरा जो x वाला टर्म है वो है 5x, और उसके बाद जो मेरा टर्म है वो है कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट वैल्यू इसका हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ पे। अब यहाँ देखो इनने बोला किस पर निकालनी है, इसके जो वैल्यूज़ हैं वो हमें किस पर निकालनी है। देन ने हमें फर्स्ट दिया है, वो दिया है x इक्वल 0, जब x इक्वल 0 हो। सेकेंड में इन्होंने हमसे बोल दिया x इक्वल माइनस 1 हो तब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, और x इक्वल टू 2 हो तब हमको इसकी वैल्यूज़ चाहिए थर्ड में। देन अब हम यहाँ से आते हैं x इक्वल 0। अब x इक्वल 0 का मतलब क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन हमारे गिवन है उसमें हम x को कर दें क्या 0 कर देते हैं, देन 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर इनटू में रहेगा प्लस 5 इंटू 0 देन प्लस 3 देन माइनस 4। अब 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, देन वो 0 जब मल्टीप्लाई करेगा 4 से तो वो कर देगा 4 को 0, 5 0 से मल्टीप्लाई कर देगा 0, 3 जो है हमारा वो ही हमारे पास बचेगा। देन हमारा वेन x इक्वल 0 हो तो हमारा आंसर रहेगा 3। अब उसी तरह x की वैल्यू माइनस 1 रखो, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, 5 इंटू माइनस 1 देन प्लस 5, माइनस 1 इंटू करेगा माइनस 5 हो जाएगा, मीन्स माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन जाएगा ना, ये देखो माइनस 4 इंटू कर रहा माइनस 1 के स्क्वायर से, प्लस 5 इंटू कर रहा है माइनस 1 से, देन प्लस 3। अब माइनस 4 यहां पर है हमारे पास, प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब 1 जब इंटू होगा 4 माइनस 4 से, देन माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3। जैसा हमारा कुछ क्वेश्चन हो गया ना कन्वर्ट, जब x इक्वल टू माइनस 1 है देन हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, कैसे आया, हमने x की जगह पे माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, देन यहाँ पे माइनस 9 होगा, माइनस 4 माइनस 5 जो है वो क्या है 9 हो जाएगा यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। अब माइनस 9 जो होगा, माइनस 9 को जब हम 3 से प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस 6 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, देन हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1 देन रिजल्टेंट वैल्यू इज माइनस 6। अब उसी तरह थर्ड वाले के लिए करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रहा है फाइंड py0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। यो जो भी गिवन है उसके लिए p0 p1 p2 की वैल्यू निकालनी है, तो
क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ हमने x की कुछ वैल्यू दी गई थी, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू टू, इस टाइप से। यहाँ हमने p जीरो कर दिया। p जीरो करना है मतलब कि p y की प्लेस पर जीरो रखना है पहले टाइम में। तो y की प्लस पे जीरो रखेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर है जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई है माइनस जीरो होगा, प्लस वन है प्लस वन रहेगा। नेक्स्ट टाइम में जब अपन पी वाई के लिए पी वन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई की जगह वन रख देंगे। सेम इसी टाइप से ये जो दी गई है ना पी जीरो पी वन पी टू, ये सब वैल्यूज हैं किसकी, गिवन क्वेश्चंस की, कि एक बार हमें पी जीरो से निकालना है, एक बार हमें पी वन से निकालना है, एक बार हमें पी टू से निकालना है, एक मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद करना है। पहला पी वाई इक्वल y स्क्वायर माइनस y, y स्क्वायर माइनस y प्लस वन इक्वल कुछ नहीं, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, p जीरो के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर p ऑफ जीरो, तो y के प्लेस पर हम जितने भी y हैं सबको जीरो कर देंगे। यहाँ p ऑफ जीरो, यहाँ जीरो लिखा मतलब y के प्लेस पर जीरो है, कंपेयर करो p से p कैंसिल, y इक्वल टू जीरो बचा, इसलिए हम y के प्लेस पर जीरो रख रहे हैं। देन जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, कोई मतलब नहीं है इनका, आंसर हमारे पास क्या आया, वन। ये किसके इक्वल है, पी ऑफ जीरो के इक्वल है। देन पी ऑफ वन पी ऑफ टू के लिए सेम इसी टाइप से वैल्यू रखेंगे, पी ऑफ वन मीन्स वाई की वैल्यू वन, पी ऑफ टू इस मतलब वाई की वैल्यू टू, वैल्यू कंपेयर करके वैल्यू पुट करना है और कुछ इन क्वेश्चन में है नहीं है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन फिनिश, अब बाकी क्वेश्चन आपको करना है। वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देन, अब यदि ये इसके जीरोज हैं तो वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, या कोई इसका फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। देन अब आपको इसके आगे जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल कराई जाएगी, तब तक आप बस इस वीडियो का प्रैक्टिस करें जो 2.1 है, 2.2 है इसका प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आपका डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।